पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के टीएमयू में आयोजित दीक्षांत समारोह में प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और विद्यार्थियों को संबोधित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह, टीएमयू के कुलाधिपति सुरेश जैन, वाइस चेयरमैन मनीष जैन ने दीप प्रज्वलित करके किया। तत्पश्चात दीक्षांत समारोह को आगे बढ़ाते हुए मेधावी छात्राओं को पुरस्कृत किया। दीक्षांत समारोह में एक शिक्षक की भूमिका में उन्होंने छात्रों से कहा कि सपने देखें और उन्हें सच होने तक नहीं रुकें, विदेशों की तरफ न भागे, यूपी और देश में अवसर तलाश कर अपनी प्रतिभा का लाभ दें। शिक्षा को जीवों को उपार्जन का साधन न बनाकर मूल्यों और संस्कृति की रक्षा करने वाला बनाएं। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रही है। बसपा के ब्राह्मण सम्मेलनों को उन्होंने पश्चाताप सम्मेलन की संज्ञा दी। ये सब यात्रा सम्मेलन विपक्षी पार्टियां हार के डर से कर रही हैं। विकासवादी राजनीति के आगे जाति और संप्रदाय की राजनीति नहीं चलेगी। यूपी के लोग विकास के साथ हैं, साइकिल यात्रा से कुछ नहीं होने वाला। भाजपा आगामी चुनाव में पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेगी। किसान आंदोलन पर डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा किसानों का सम्मान करने वाली पार्टी है। किसानों के भेष में कुछ सियासी लोग पहुंचकर अर्णकल पर लाभ कर रहे हैं, ऐसे आम किसान का लेना देना नहीं है। भाजपा की सरकारों ने कोविड प्रबंधन किया और बिना भेदभाव योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों को दिया। सेवा ही संगठन में हमारे तमाम पदाधिकारियों ने सेवा की। विकास और सेवा के आगे जातिवाद नहीं टिकने वाला। तीसरी लहर से बचने के लिए सभी 75 जिलों में इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति सुरेश जैन और मनीष जैन ने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र सिंह का स्वागत किया। के लोगों को उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में मानसिकता बदलने की जरूरत है, विपक्ष के लोगों को खासकर। और ऐसी नेत्री ने बयान दिया है जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में वो बंगाल मॉडल लाएंगे। कौन सा मॉडल है बंगाल का? बंगाल का वो मॉडल है जहां पर युवकों की हत्या हो रही है। कौन सा मॉडल है बंगाल का जहां महिलाओं के साथ खुले आम अत्याचार हो रहा है? कौन सा मॉडल है जो घरों को लूटा जा रहा है, खुली हुई दुकानों से सामान खुलेआम लेकर लोग पुलिस के संरक्षण में जा रहे हैं? कौन सा मॉडल है जो घरों को जलाया जा रहा हो, वहाँ कानून और व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ रही हो, जहाँ पर न्यायालयों को टिप्पणी करनी पड़ रही हो, राज्यपाल को रिपोर्ट देनी पड़ रही हो, वो मॉडल उत्तर प्रदेश में लागू होगा? ये सपना किसी का पूरा नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश में ना तो हैदराबादी मॉडल आएगा, ना उत्तर प्रदेश में ये आपका बंगाल मॉडल आएगा। उत्तर प्रदेश में केवल एक ही मॉडल आएगा, वो है योगी जी और मोदी जी का विकास का मॉडल, और वही चलेगा। धन्यवाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।